दक्षिण नागपुर के अंतर्गत आने वाले शिवनगर परिसर में एक ऐसा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो पूरी तरह से नीचे झुक रहा है। बार बार निवेदन देने के बावजूद भी न किसी मंत्री का ध्यान है और न ही किसी प्रशासन का या फिर पार्षदों का। ऐसे में शिवनगर का ये ट्रांसफार्मर मौत का अड्डा बन चुका है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनकी ग्राउंड रिपोर्ट। शिवनगर परिसर से ट्रांसफार्मर बना मौत का अड्डा में। आज से कई साल पहले नागपुर शहर एक ऐसा शहर बना पाता जो अविकसित था। इस शहर के परिसरों का पूरा विकास नहीं हुआ था। नागपुर शहर की तब की हालात और अब की हालात में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। आज हर परिसर में सीमेंट के रोड दिखाई देते हैं, नई नई बहुमंजिले दिखाई देते हैं। ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है मानो जैसे शहर वासियों को सभी चीजें मिल गई हो। ऐसा मानना और समझना स्वाभाविक है, किंतु वास्तविकता में देखा जाए तो आज भी शहर के कई लोग महावितरण कंपनी व एसएनटीएल कार्यालय द्वारा किए जा रहे कछुआ चाल काम से काफी परेशान हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण नागपुर के अंतर्गत आने वाले संगम टॉक स्थित शिवनगर परिसर की, जहाँ एक बहुत बड़े डीपी का निर्माण आज से कुछ साल पहले किया गया था। इस ट्रांसफार्मर की हालत काफी गंभीर हुई है। सैकड़ों घरों में इसे ट्रांसफार्मर से बिजली का वितरण होता है, लेकिन इसे ट्रांसफार्मर के लोहे के पिलर आगे झुक जाने से यह ट्रांसफार्मर कभी भी धड़ाम से नीचे गिर सकता है। इससे बहुत बड़ी जीवित हानि हो सकती है। इस और शिवनगर के नागरिकों ने महावितरण के अधिकारी, पार्षद, विधायक और ऊर्जा मंत्री को बार बार ज्ञापन देकर ट्रांसफार्मर की बड़ी लचर हालत के बारे में बताया, लेकिन अभी भी शिवनगर के नागरिकों को न्याय नहीं मिला है। आखिर कब मिलेगा शिवनगर के लोगों को न्याय, इस प्रतीक्षा में शिवनगर के नागरिक है। पेशे हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी शिवनगर परिसर से ये ग्राउंड रिपोर्ट ट्रांसफार्मर से परेशान नागरिक में। दर्शकों, इस समय में बीसीएन की टीम दक्षिण नागपुर के अंतर्गत आने वाले शिवनगर में है। शिवनगर में एक ऐसी घटना होने जा रही है कि अगर समय रहती, अगर वो प्रशासन के ध्यान में लाया दिया जाए तो कोई भी जीवित हानि भविष्य में नहीं हो सकती, सब अच्छा काम हो सकता है। मगर अफसोस कि पिछले कई वर्षों से शिवनगर के ये तमाम लोग एक यहाँ पे लगी हुई डीपी को लेके काफ़ी चिंतित है। कई बार इन्होंने ज्ञापन दिया है, प्रशासन को ये बात ध्यान में ला के दिया है, यहाँ के पार्षदों को बात ध्यान में ला के दिया है, फिर भी ढाक के तीन पाँच जैसा उनका कामकाज चला है और अब तक के ये डीपी का कामकाज नहीं हुआ है। थोड़ा आप प्यान करके बताइए कि देखिए, ये वही कोरोना से भी भयंकर ये डीपी सबको अपने आगोश में लेने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। पिछले 8-10 साल से इस डीपी को लेके यहाँ के नागरिक आंदोलन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये डीपी का कुछ जो हिस्सा है काफ़ी झुकाव यहाँ पे और अधिक बड़ा है। जब भी कुछ आंधी तूफान आती है तो ये डीपी कभी भी कोलैप्स हो सकती है। अगर ये कोलैप्स हो सकती है तो फिर ये मकान के ऊपर में आ सकती है। आप देख सकते हैं कि इस ये मकान के ऊपर में गिर सकती है, जिससे बहुत बड़ी जीवित हानि हो सकती है और परिसर के नागरिक भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आइए सीधा रुक करते उन्हीं के पास और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार उन्हें क्या तकलीफ है, क्या कहना चाहते हैं। सर, आप बताइए कि इस डीपी को लेके क्या तकलीफ है, आपको क्या कहना चाहोगे? इस डीपी को लेके ये तकलीफ है कि कभी भी यानी यहाँ पे कैसा वारादून वगैरह आती है तो ये डीपी इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलती है कि हमें डर लगता है कि हम घर में बैठे हैं फिर भी डर लगता है कि ये कभी भी यानी कैसा गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है नॉर्मली। और जैसे यानी यहाँ का हमारे परिसर में जो बच्चे लोग खेलते हैं यहाँ पे, कभी भी अगर इसका लोड बढ़ गया, कुछ हो गया, लास्ट टाइम यानी 2-3 बार यहाँ पे कैसा स्पोर्ट हुआ है तो उसमें कैसा, जैसे ये डीपी के जो नेक्स्ट पीछे में घर है वहाँ पे बहुत बार यानी कैसे आग चली गई है, यहाँ पे रोड पे आग चली गई है, यहाँ से जाने आने वाले यानी लोगों को कभी भी अचानक स्पॉट हो गया है तो 1-2 बार एक्सीडेंट भी हो गया है। ये तकलीफ़ हमें यहाँ पे कैसे फोकस करने को मिलती है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, तो जिस तरह से इन्होंने ये बताया कि ये डीपी जो लगी हुई है ये कितनी जानलेवा साबित हो रही है, मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे भी यही कहना है कि हमारा बहुत प्रॉब्लम है इसमें। ये डीपी के कारण हमारे आजू बाजू के परिसर के बच्चे जब खेलते रहते हैं ये तो डर रहता है कि यानी फ्री से खेल सकते नहीं है यहाँ, इसलिए कभी भी ऐसी बीच आती है, बारिश होती है तो बच्चे ऐसे डर जाते हैं, खेलते खेलते अंदर आ जाते हैं, हमको देखना पड़ता है, हमको बहुत ये धोखा हमको भी लगता है। इसकी हमने इसकी कंप्लेंट बार बार की है फिर भी इसको इसका कुछ भी हुआ नहीं है,
इसलिए इस पर आप जल्दी से जल्दी जो उसका सॉल्यूशन निकलने का होना है हमको, इसका हमने इसके लिए बहुत दिन से यानी आप बस 10-12 साल से हम इसके हमारा ये स्ट्रगल चालू है, मगर ये हुआ नहीं है। हमारी यही इच्छा है कि ये होना ही चाहिए, नहीं तो हमको ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए होगा तो हमारे नुकसान हो जाएगा, बच्चे का होगा तो क्या, फिर उसके बाद आएंगे तो क्या करेंगे, होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ये जरूरी है आप ये करो, यही हमारी विनती है आपसे। मौत का बना ये डीपी कभी भी किसी की भी जान ले सकता है। जैसे इन्होंने बात करते हुए ये बताया कि किस तरह से जब आंधी तूफान जब चलता है तो ये पूरा डीपी अपने आप में हिल जाता है, इस कदर हिल जाता है मानो जैसे कोई पेड़ पूरा उखड़ जाए, इस तरह से इसकी भी स्थिति बनी हुई होती है। और ये भी बताया गया है कि कई बार यहाँ पे आंधी तूफान की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है, यह डीपी दो से तीन बार जल भी चुकी है, लेकिन ऐसे में प्रशासन का ध्यान नहीं, ना महावितरण का ध्यान है, ना ऊर्जा मंत्री का ध्यान है। सर आप बताइए कि जिस तरह से ये जो बात हुई है, जो एक जानलेवा डीपी साबित हुई है, क्या कहना चाहिए? सर मैं इसके बारे में यही बोलना चाहता कि डीपी जिस दिन यहाँ लगी, ये डीपी जब से शुरू हुई तभी से ऐसी इधर झुकती हुई लगाई गई है। मेरे को यह कहना है कि जब ये सैंक्शन हुई, जिसका जो प्रोटोकॉल रहता है कि ये लगाने के बाद इंजीनियर आके देखता है क्या लगी क्या नहीं ठीक, उस वक़्त भी ये पूरी झुक के थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने बहुत सारी कोशिश की, बहुत बार एप्लीकेशन किया, बहुत बार MSEB में गए, ऊर्जा मंत्री के पास भी गए, तायवाड़े के घर के लग के ये DP है, 3 बार इसका ब्लास्ट हो चुका है, 3 बार उनके घर में बिजली के वो पूरे स्पार्क गिर गया है, तो भी कोई ये डिपार्टमेंट ध्यान नहीं देता। सिर्फ हमको इतना बताया गया है कि इन्होंने ये सैंक्शन हुई है DP हटाने के लिए, पर इसको भी सैंक्शन होने के ये 3 साल हो गए, सिर्फ इतना हमको बताते कि इसका फंड नहीं आया। अब ये फंड से और ये DP इधर झुकने के बाद अगर गिर भी गई तो इतना बड़ा ब्लास्ट होगा और इतना बड़ा नुकसान होगा एरिया का। इसके पहले एक झाड़ था हमारे घर के पास, मैं 10 बार कंप्लेंट करके आया कि भैया ये झाड़ तार में गया है, आप इसको काटिए, पर नहीं, वो जब झाड़ पूरा तार लेके डूबा, पूरा मोहल्ला ब्लास्ट हो गया, तब जाके वो आए और फिर वो काम किया। तो ऐसे इनका ये रवैया है काम करने का, जब कुछ हो जाएगा यहाँ घटना या दुर्घटना होंगी तभी ये दौड़ के आएंगे, ये इनकी बात है। इसलिए हमारा कहना है कि हमारे एरिया में जगह भी है, हमने इनको जगह भी प्रोवाइड किया है, नया मैप भी सैंक्शन हुआ है कि जहाँ वो जगह पे आप कॉरपोरेशन के सिर्फ 6.5 लाख का फंड है सिर्फ, वो DPDC के तरफ से वो नहीं मिलने की वजह से 3 साल हो गए अभी तक ये प्रकरण को जैसा कि वैसा रखा है। हमारी मांग है कि इसको तुरंत सैंक्शन करके ये DP यहाँ से हटा के जो ग्राउंड के पास जगह है हमारी, जो हमने अलॉट करके दी है, वहाँ लगाया जाए और हमको इससे राहत मिली, क्योंकि आज छोटे बच्चे खेलते हैं, कई बार ये डर ही लगता है ये DP के पास से जाने से। अभी हम खड़े हैं तो हमारे आंख के ऊपर कब आएंगी, ये हिलती भी है DP, जब थोड़ा सा बारा आ गया इधर उधर से, तो ये ऐसी हिलने वाली DP, इस पर जल्दी से जल्दी प्रयोजन करना चाहिए, यही हमारी मांग है। संजय रणदीवे, मैं शिवनगर से बात कर, संजय रणदीवे, इन्होंने ये बताया कि ये DP कितनी जानलेवा साबित हो सकती है। तायवाड़ जी हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। सर ये बताइए कि क्या तकलीफ है इस DP को लेकर, क्या जब से इसको रोकने के लिए कई बार मैं नगर सेवक को बोला, सबको बताया, फिर भी वो कॉरपोरेशन ने मंजूरी दिए करके जबरदस्ती इसको लगा दिया। दूसरे कॉरपोरेशन ने इसको हटाने के लिए मंजूरी दी है, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट पूरा क्लियर हो गया, पालक मंदिर ने मंजूरी दे दी है, जब भी कभी गए तो बोलते DPC में पैसा आने का है, हम वो को ला के दो, हम करवा लेते। एक आधे के ऊपर में गिर जाएंगे, मैं पड़ोस में रहने के बाद वो जब हवा दून पानी वगैरह जब आता है तो उसके अंदर में कि नहीं, कम से कम तो अभी झकोले खाता है ये पूरे, और इंग्लारन तो ऐसे लंबे लगा दिए ऊपर में, पूरे बड़े लोहे का सामान लगा दिया, तो ऐसा लगता है कि सामने गिरता कि पीछे गिरता, तो ये बहुत हवादून छूने का बहुत धोखे की बात लगती है। इसके लिए मैं 16 से इसको ट्राई कर रहा हूँ, पर फिर भी अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। हमने शिवनगर के तमाम उन नागरिकों से इस DP को लेकर बात की, तो उन्होंने यही बताया कि DP को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी घटना हो सकती है। आइए रोज़ाना इस DP के बाजू में जो बच्चे खेलते हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? गुंजन। ये बताइए कि DP के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैं खेलती हूँ तो बॉल जाता है तो मुझे डर लगता है लेने को। तुझे क्या लगता है? मेरे को भी। क्या? डर। किस बात का डर लगता है? DP का। इस पर। बच्चे भले ही अधिक शब्दों में न बोल पाए, उनकी भावनाओं को समझे,
क्योंकि उन्होंने जो कम शब्दों में जो बात कही है बड़ी महत्वपूर्ण कही है। डर लगता है, डर उसी चीज़ से लगता है जो प्रशासन ने कामकाज नहीं किया, जिसके चलते डर को और फैला दिया है इस ऐसे जानलेवा डीपी के माध्यम से। आप बताइए, आप क्या कहना चाहोगे? जब भी स्पार्किंग बहुत होती है डीपी में, और जब हवा धुंध वगैरह चलते है ना, वहाँ से बहुत सारे स्पार्किंग होती है, हमारे बच्चे खेलते हैं, हमें बहुत डर लगता है इसलिए। और लगाने के पहले हमने उनको बताया था कि यहाँ पे लगाने का नहीं, क्योंकि ये एरिया रहता है ना, तो एरिया का प्रॉब्लम है। उन्होंने कुछ समझे नहीं और लगा के दिए, लेकिन ये डीपी के इससे बहुत यानी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं क्या बोलते हैं, नगर सेवक के यहाँ पे भी गई हूँ, चार भी नगर सेवक के यहाँ पे गए हुए, वो बोल रहे थे कि हमारा ये काम नहीं है। तो फिर ये किसका काम है? ये किसका काम है? इस प्रकार का सवाल इन लोगों ने उठाया है, और आप देख सकते कि तमाम लोगों से हमने बातचीत की है, और ये वही डीपी है। फिर से एक बार थोड़ा पैन करके बताइए कि देखिए, ये वही डीपी है जिसका सुधार अब तक हुआ नहीं है। जब भी आंधी हवा तूफान आती है, ये पूरी तरह से हिलता है ये डीपी, और न जाने ये कब लोगों के ऊपर में गिर जाए और किसी की मौत हो जाए। क्या प्रशासन किसी की मौत होने का इंतज़ार कर रही है? ये सवाल खुलकर सामने आया हुआ है। क्या यहाँ के पार्षद हो, यहाँ के विधायक हो, या महावितरण के अधिकारी हो, या हो फिर राज्य के ऊर्जा मंत्री, इनका ध्यान आखिर इस और क्यों नहीं है? पिछले 10 वर्षों से ये लोग लगातार सामना कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। बड़ी बड़ी वादे इस शहर के तमाम ऐसे अधिकारी हो या नेता हो, वे करते हुए नजर आते हैं। स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर की तो बातें करते हैं, नागपुर का विकास भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नागपुर के बाहर का विकास हो रहा है, लेकिन शहर के अंदर के जो लोग रह रहे हैं उनको ऐसे परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त प्रशासन अपनी नींद से जागे और इन लोगों को न्याय दे, और जल्द से जल्द ये जानलेवा डीपी को हटाए और अच्छे डीपी को लाए, क्योंकि हर कोई अब अपने घरों में उजाला चाहता है, अंधेरा नहीं। अब देखना ये होगा, क्या प्रशासन इस शिवनगर के परिसर के नागरिकों के घरों में उजाला करना चाहती है या अंधेरा? शिवनगर कॉलोनी से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।